आज की जो हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 1,70,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती का विवरण जारी करा गया है। यूपी टीजीटी पीजीटी जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी की सभी भर्तियां जो है संविदा पर रखी जाएंगी, ऐसा भी शासनादेश जारी करा गया है। और वहीं यूपी प्राथमिक शिक्षा भर्ती पर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से कौन कौन सा विवरण 1,70,000 पदों पर जो आगामी वैकेंसी है उनके बारे में कहा गया है, फिर आगे बताते हैं कि ग्रुप सी की सभी वैकेंसियां किस तरह संविदा पर ली जा रही हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। देख सकते हैं यूपी में बड़े पैमाने पर खाली पदों को भरे जाने की तैयारी करी गई है। यहां देख सकते हैं 23-24 में क्या वेतन है, क्या पेंशन है, और 24-25 में क्या वेतन, क्या पेंशन और क्या ब्याज है, सारा वित्त विभाग द्वारा पूरा का पूरा ब्यौरा दे दिया गया है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में खाली पदों को भरे जाने की तैयारी के लिए सरकारी विभागों में रिक्त पदों में से 70,000 से अधिक पदों को भरे जाने की उम्मीद है। अब 70,000 से अधिक पद आप समझ ही सकते हैं, 60,000 प्लस तो यूपीपी की ही वैकेंसी है, ये 60,000 इसमें हो गई। बाकी जो 10,000 वैकेंसी है वह भी उत्तर प्रदेश पुलिस से आने वाली जो और भी अन्य वैकेंसीज हैं जो इस समय करंट टाइम में रनिंग पोजीशन में है, उनके एग्जाम वगैरह भी होने वाले हैं, फॉर्म वगैरह लिए जा चुके हैं, कुछ के लिए जा रहे हैं, ऐसी भी वैकेंसी सारी जोड़ जाड़ करके 70,000 के आसपास हो जा रही है। तो 70,000 सरकारी विभाग में ऐसे ही चली गई। बात करें आउटसोर्सिंग विभाग में तो ऐसे में 1,00,000 से अधिक कार्मिक तैनात किए जाएंगे। तो 1,70,000 पे वैकेंसी उत्तर प्रदेश में करी जा रही है। फिलहाल बात करें बड़े पैमाने पर पर्यवेक्षक जिसे सुपरवाइजर कहते हैं, फिर नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस की भर्ती होनी है, इन सारी वैकेंसीज को मिलाकर के 70,000 के आसपास का डेटा आता है। और इसके अलावा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जाना है। आप समझ सकते हैं अगर बात करें जूनियर की 6 से 8, माध्यमिक की, और साथ ही उसी में उच्च शिक्षा में अगर 9 से 12 तक की बात करें तो उसकी भी वैकेंसी जो है आने वाली है, यानी कि टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी आने वाली है। और जो वैकेंसी पहले 2022 में आ चुकी है उसका भी एग्जाम कराया जाना शेष है। तो इन सभी वैकेंसीज को भरा जाना है। साथ ही कहा गया है कि जो वित्त विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, वह काफी बोझ से दबा हुआ है, उसी बोझ को बांटने के लिए 1,00,000 से अधिक आउटसोर्स कार्मिक रखे जाएंगे। और इस आउटसोर्सिंग पर रखे जाने के बाद उनको वेतन भी कम दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है आउटसोर्सिंग में वेतन कम मिलता है और रुक रुक के मिलता है। 4 महीने पर, जब 4 महीना बीत जाता है तो 1 महीने 2 महीने की सैलरी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आउटसोर्सिंग का काम अभी चल रहा है। फिलहाल ये सभी विभाग में ऐसा नहीं होता है कि 4 महीने पर 1 महीने का मिले, लेकिन मैक्सिमम का होता ही है, मैक्सिमम का यही हाल है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में यही जो है वैकेंसी आ रही है 1,70,000, जिसमें 70,000 आपको पता ही है कि जो पुलिस की वैकेंसी है या पर्यवेक्षक की, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ की है वो होनी है, जिसमें कांस्टेबल भी है 70,000 में। और उसके बाद अगर बात करें तो 1,00,000 के आसपास ये आउटसोर्सिंग की वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल कब तक देखने को मिलेगी इसका तो अभी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जल्दी आएगा। फिलहाल बात करें यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो इसका जो है एससीईआरटी लखनऊ निशांतगंज में इसका जो धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, डीएलएड के जो नेता हैं रजत सिंह, उनके द्वारा उनके अनुयायी में इस तरह से वैकेंसी को निकालने के लिए मांग चल रही है कि 97,000 प्लस वैकेंसी निकाल दी जाए। फिलहाल अभी ये वैकेंसी कब तक आएगी और कब तक उनकी मांग मानी जाती है या अभ्यर्थियों की बात मांगी जाती है, जगह जगह अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। शुरू से ही अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, जब से ही 69,000 शिक्षक भर्ती लगभग अंतिम चरण में है। फिलहाल अभी ये वैकेंसी निकालने का कोई सिग्नल गवर्नमेंट की तरफ से या संदीप सिंह, जो कि आपको पता होगा बेसिक शिक्षा के मंत्री, उनके द्वारा भी इस तरह का कोई अभी संकेत नहीं मिला है कि वैकेंसी कब तक आ रही है, लेकिन आप मान के चलिए कि इस साल तो वैकेंसी आनी ही आनी है। फिलहाल उन्होंने ये भी अपने बयान में कह दिया है कि हमारे सारे अनुपात पूरे हैं। और वहीं अगर बात करें संसद में भी बात को उठाया गया था तारांकित प्रश्न में, तो उसमें भी जवाब दे दिया गया था विपक्ष को कि हमारे सारे के सारे शिक्षा मित्र और अध्यापकों द्वारा सारे अनुपात पूरे हैं, कोई हमारे पास सीट खाली नहीं है। फिलहाल गवर्नमेंट ये कहती है, उसके बाद वैकेंसी भी निकाल देती है, पता नहीं कहाँ से सीट तुरंत आ भी जाता है। तो अभी वेट रहेगा उन सारी वैकेंसीज का जो भी आगे आने वाली हैं, जैसे कुछ अन्य अपडेट आती है चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और 1,00,000 पदों पर जैसे ही कोई पता चलता है आउटसोर्सिंग कहाँ कहाँ है और कितनी सैलरी है उसको भी बताया जाएगा, ताकि आप फॉर्म वगैरह फिल कर पाएँ। और कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।